नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाई और समाचार से 7 अप्रैल 2019 दिन रविवार गोसाई और समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए करें खबरों की शुरुआत न्यूज बुलेटिन के हेडलाइंस के साथ। आज के न्यूज बुलेटिन के हेडलाइंस हैं, इंतजार की घड़ी हुई समाप्त, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट हुआ जारी, 80.73% परीक्षार्थी हुए सफल। नवगछिया के घाट ठाकुरबाड़ी में भारतीय हिंदू नववर्ष के अवसर पर शुरू हुआ श्री रामचरित मानस नवापरायण यज्ञ। कल शनिवार से प्रारंभ हुआ चैती नवरात, मां के 9 रूपों की होगी विशेष पूजा अर्चना। रांची में तेजस्वी को लालू से मिलने से रोका, पुलिस के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा। नवगछिया में बोले डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बिहार में लालटेन का युग खत्म, आ गया विकास युग। अब क्यूल नहीं, भागलपुर में बदलेगा ट्रेनों का इंजन, अगले माह से होगी शुरुआत। भागलपुर बाईपास रोड पर ऑटो बोलेरो की सीधी टक्कर, 8 घायल। पुलवामा हमले में शहीद रतन ठाकुर की पत्नी राजनंदनी देवी ने पुत्र को दिया जन्म, सोशल मीडिया पर चल रहा बधाई संदेश। बिहार बोर्ड मैट्रिक परिणाम 2019, किसान का बेटा बना मैट्रिक में बिहार टॉपर। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के भुलसर एकचारी में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, 2500 कलश यात्रा भक्तों ने निकाली। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कलश शोभा यात्रा में 2500 लोगों ने भरा जल। नारायणपुर 452 अंक लाकर बालक वर्ग में अभिषेक, बालिका वर्ग में तनु 439 अंक लाकर बने नारायणपुर प्रखंड टॉपर। नारायणपुर महवागढ़ से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा, नारायणपुर बलहा में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। नारायणपुर हिंदी नववर्ष पर भंडारा का आयोजन। नवगछिया हाई स्कूल का दीपक कुमार मील टोला नवगछिया निवासी बना जिले का दूसरा टॉपर, 460 अंक के साथ हुआ उत्तीर्ण। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान माँ अम्बे इंटरप्राइजेज, तेतरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने, जहां उपलब्ध हैं एक से बढ़कर एक गोदरेज दीवान, टेबल कुर्सी सहित सभी फर्नीचर के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए संपर्क करें गौतम चौधरी, 9801150179। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलोंग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर सबौर भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739557455। बिहार बोर्ड ने जारी की मैट्रिक की रिजल्ट, 80.73% परीक्षार्थी हुए सफल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार बोर्ड के चेयरमैन नंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने BSEB के पटना कार्यालय में रिजल्ट जारी किया है। इस बार पूरे प्रदेश में 13,20,036 परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। महाजन ने बताया कि बोर्ड ने महज 29 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी किया है, जो अब तक का सबसे फास्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि 80% रिजल्ट अब तक बिहार बोर्ड में नहीं हुआ था। के पर BSEB चेयरमैन आनंद किशोर ने इससे पहले कहा कि परीक्षा पर नजर रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जिले के जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी जुड़े थे। तेजस्वी को लालू से मिलने से रोका, पुलिस के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा। रांची के रिम्स में भर्ती चारा घोटाले के 4 मामलों के सजा प्राप्त
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पुलिस ने मिलने से रोक दिया। इससे यहां काफ़ी देर तक पुलिस से कहासुनी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति के मिलने देने से साफ मनाही कर दी। इस बीच तेजस्वी लगातार जेल सुपरिटेंडेंट से अनुमति के बाबत बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग सका। इस बीच काफ़ी देर तक तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने पर अड़े रहे। तेजस्वी का कहना है कि शनिवार को लालू से मुलाकात का उन्होंने समय ले रखा है, ऐसे में पुलिस लालू से मिलने से उन्हें नहीं रोक सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब उनके पिता लालू प्रसाद यादव को मेंटल टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा है। यह सब ऊपर के इशारे पर साजिश के तहत किया जा रहा है। झारखंड प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। वहीं सुरक्षाकर्मी का कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से शाम 5 बजे तक ही मुलाकातियों की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने की अनुमति होती है। देर से पहुंचने के कारण तेजस्वी यादव को पिता लालू यादव से मिलने से रोका गया। पेइंग वार्ड में तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि समय पार हो जाने के कारण इन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा सकी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अनुमति के लिए जेल अधीक्षक से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। समर्थकों से घिरे तेजस्वी यादव बाद में रांची के होटल रेडिएशन ब्लू में ठहरने चले गए। एक फिर तेजस्वी रविवार को लालू से मिलने की कोशिश करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2019, किसान का बेटा बना मैट्रिक में बिहार टॉपर। मैट्रिक परीक्षा 2019 का बिहार टॉपर सावन राज भारती बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत रजौन बाजार का निवासी है। सावन की शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक स्तर पर क्लास 8 तक रजौन में ही हुई है। बाद में वे 2017 में उनका सिलेक्शन वर्ग 9 के सिमुरतला आवासीय विद्यालय जमुई में हुआ। सावन के पिता ओंकार भारती एक किसान हैं तथा माता शबनम कुमारी गृहिणी है। सावन की एक बहन अमीषा भारती है। अमीषा भारती वर्तमान में पटना में पार्ट 1 की पढ़ाई कर रही है। सिमुरतला आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र सावन राज भारती ने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करने के बाद काफ़ी खुश है। उसे सूबे में पहला स्थान आने की उम्मीद थी, वह रिजल्ट में संतुष्ट दिख रहा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उसने बताया कि उसका एकमात्र लक्ष्य यूपीएससी करना है तथा आईएएस बन लोगों की सेवा करना चाहता है, इसलिए वह पूरी मेहनत करेगा। ऑटो बोलेरो की सीधी टक्कर, 8 हुए घायल। लोधीपुर के बाईपास रोड पर शनिवार को बोलेरो और ऑटो में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। घायलों में ऑटो चालक गोराडी के कुरुडी निवासी मोहम्मद सज्जाद, डोमन कुमार मोहम्मद, गुफरान मोहम्मद हाफिज, बीबी सकीना, बीबी सबीला, बीबी शहनाज और बीबी अंजुम शामिल हैं। इनके अलावा भी ऑटो में कई लोग सवार थे जिन्हें हल्की चोटें आई है। सज्जाद के मुताबिक उसने गांव में ऑटो पर सवारियां बिठाई थी। वह सवारी लेकर भागलपुर बाजार आ रहे थे, तभी 0 माइल की तरफ से तेज गति से आ रही बोलेरो ने सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनकी ऑटो कुछ दूर तक घिसती रही। बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग निकला। स्थानीय राहगीर ने गाँव वालों की मदद से सभी घायलों को मायागंज अस्पताल पहुंचाया। मोहम्मद गुफरान ने बताया कि उन लोगों के घर में शादी है, इस लेकर वे लोग सामान की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे थे। बाईपास रोड पर सड़क दुर्घटना में वे लोग घायल हो गए। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के भोलसर एकचारी में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। शोभा यात्रा में निकली 2500 कलश यात्रा। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के भोलेसर एकचारी में श्री श्री 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। कथावाचक श्री बालकृष्ण जी महाराज द्वारा 6 अप्रैल से शुरू हुए श्रीमद् भागवत कथा में भागवत कथा ज्ञान दिया जाएगा। मौके पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 2500 महिला व कुमारी कन्या द्वारा कलश भरा गया। कलश शोभा यात्रा में 5000 से अधिक लोग शामिल थे। वहीं गोसाईगांव समाचार के पत्रकार अमर कुमार ने बताया कि यह श्रीमद् भागवत कथा 6 अप्रैल से प्रारंभ होकर 14 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसका आयोजन स्थल एकचारी रेलवे स्टेशन से दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर दूरी पर भोलसर चैती दुर्गा स्थान
है। हमले में शहीद रतन ठाकुर की पत्नी ने पुत्र को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर चल रहा जमकर बधाई संदेश। पुलवामा हमले में शहीद हुए सन्हौला प्रखंड के रतनपुर निवासी रतन ठाकुर की पत्नी राजनंदनी देवी ने 6 अप्रैल को तड़के 4:15 बजे एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव दर्द होने पर उन्हें 5 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे स्थानीय हीलिंग टच हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने नॉर्मल डिलीवरी कराई। 8 माह में प्रसव होने की वजह से नवजात को सांस लेने में परेशानी होने से उसे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के यहाँ भर्ती कराया गया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजनंदनी देवी की जांच, डिलीवरी और बेड निःशुल्क दिए गए, साथ ही दवाइयाँ भी दी गई। उन्होंने कहा कि पहले लड़के का जन्म भी यहीं हुआ था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि नवजात का वजन 2 किलोग्राम है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, चिकित्सक की निगरानी में उसे रखा गया है। शहीद के पिता को सारी जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि शहीद के गांव के बच्चों को निशुल्क परामर्श देने का वादा किया है, पिता ने ही नाम रखा था रचित। राजनंदनी ने बताया कि जब पति रतन कुमार ठाकुर छुट्टियां में घर आए थे तो उन्होंने होने वाले बच्चे का नाम रचित रखा था। उन्हें पुत्र होने की उम्मीद थी, यही नाम भी रहेगा। बड़ा पुत्र कृष्णा का स्थानीय माउंट एसीसी में नामांकन किया गया है। दोनों पोते को भी उसका दादा शहीद के पिता राम निरंजन ठाकुर ने कहा कि वो उसे भी सेने में ही भेजेंगे। उन्होंने कहा कि बेटा खोने का दर्द पिता ही जान सकता है। नहीं, भागलपुर में बदलेगा ट्रेनों का इंजन। भागलपुर से खुलने वाली महत्वपूर्ण 7 ट्रेनों के इंजन अगले महीने से क्यूल की जगह भागलपुर में बदले जाएंगे। मुख्य रक्षा आयुक्त CRS द्वारा भागलपुर क्यूल के बीच विद्युतीकरण खंड की निरीक्षण रिपोर्ट अगले सप्ताह आने की उम्मीद है। रिपोर्ट आने के बाद इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन परिचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। क्यूल की जगह भागलपुर से इलेक्ट्रिक इंजन बदले जाने से 30 से 40 मिनट की समय की बचत होगी, इससे यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। वहीं ट्रेनों के बारे में सूची इस प्रकार है। भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस, भागलपुर सूरत एक्सप्रेस, भागलपुर अजमेर शरीफ एक्सप्रेस, भागलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल, भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस। वहीं बताया जाता है कि दरअसल अभी भागलपुर की 7 महत्वपूर्ण ट्रेनों में डीजल की जगह इलेक्ट्रिक इंजन क्यूल स्टेशन पर जोड़े जाते हैं। एक इंजन बदलने में 20 से 30 मिनट का समय लगता है। ऐसे में क्यूल स्टेशन पर काफ़ी दबाव बढ़ जाता है और इस वजह से दूसरी गाड़ियां विलंब हो जाती है। नवगछिया इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय का दीपक बना जिले का दूसरा टॉपर, लोगों ने दी शुभकामनाएँ। नवगछिया अनुमंडल के मील टोला निवासी अर्जुन सिंह के पुत्र दीपक कुमार मील टोला निवासी भागलपुर जिले का दूसरा टॉपर बना। दीपक इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया का परीक्षार्थी है, जिसे 460 अंक मिले हैं। अच्छे परिणाम पर दीपक के परिवार वाले उसे मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं व बधाई दे रहे हैं। वहीं विद्यालय परिवार के द्वारा भी दीपक को नवगछिया अनुमंडल का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी जा रही है। नारायणपुर 452 अंक लाकर बालक वर्ग में अभिषेक, बालिका वर्ग में तन्नु 439 अंक लाकर बने नारायणपुर प्रखंड टॉपर। मैट्रिक परीक्षा में उच्च विद्यालय नारायणपुर के 452 अंक लाकर अभिषेक आनंद प्रखंड टॉपर रहा। बालिका वर्ग में शिवदारी सुखदेव उच्च विद्यालय मौजमा गनौल से तन्नु कुमारी 439 अंक लाकर प्रखंड टॉपर बनी। वहीं LNBJ बालिका उच्च विद्यालय भमरपुर से साक्षी कुमारी 434 अंक लाकर विद्यालय टॉपर बनी, जबकि नारायणपुर हाई स्कूल में बालिका वर्ग में भावना 410 अंक लाकर टॉपर बनी। प्रखंड टॉपर बनी छात्र व छात्राओं के बीच खुशी का माहौल है। सभी के अभिभावक बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मौके पर परिजनों द्वारा भी उसे बधाई दी जा रही है। कई बच्चों को मिठाइयां भी खिलाई जा रही है। नारायणपुर बलहा में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन।
भागलपुर जिला स्तरीय महिला पुरुष दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच पहाड़पुर बनाम बजरंगी टीम बलहा के बीच खेला गया, जिसमें बजरंगी टीम बलहा 17-40 से विजयी हुआ। दो दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन पंचायत के मुखिया तनिषी सिंह ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी रमेश शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव, पंचायत समिति बाबू साहेब राजेश पंडित, वार्ड सदस्य राजेश शर्मा और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कल से प्रारंभ हुआ चैती नवरात, माँ के 9 रूपों की होगी विशेष पूजा अर्चना। कल से ही माता के 9 रूपों की उपासना का महापर्व चैती नवरात प्रारंभ हो गया। कलश स्थापन के साथ नवरात प्रारंभ हो गया। अनुष्ठान और साधना के लिए चैत नवरात्रि श्रेष्ठ माना जाता है। वसंत ऋतु में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, इसी कारण इसे वसंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। नौगछिया के शहीद टोला में स्थित चैती दुर्गा मंदिर में भी पूजा अर्चना शुरू हो गई। सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं व बच्चों की भीड़ लगी रही। दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो दिन भर पूजा अर्चना आरती करते रहे। नारायणपुर महवागढ़ से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। नारायणपुर प्रखंड के प्रसिद्ध महवागढ़ स्थित सिद्ध पीठ चैती दुर्गा मंदिर से शनिवार को चैत नवरात्रि की पहली पूजा के अवसर पर 501 कुमारी कन्या व नवविवाहिताओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। नारायणपुर मथुरापुर बाजार बलहा का परिभ्रमण कर चक्रामी बलहा गंगा घाट से कलश में जल भर कर पुनः मंदिर परिसर में कलश को स्थापित किया गया। आयोजन समिति सह मेला अध्यक्ष भवेश शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन एक पूजा से प्रारंभ हुआ है, जो नवरात्रि तक आयोजित होगा। मौके पर मुखिया ईशो यादव, प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव, मनिक शर्मा, उदय शर्मा, भोला दास सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। नवगछिया नंद कुमार उच्च विद्यालय नगरा का टॉपर छात्र बना विजय आनंद, गांव में खुशी का लहर। मैट्रिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट शनिवार दोपहर को जारी कर दिया गया। मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में नवगछिया अनुमंडल के नंद कुमार उच्च विद्यालय का छात्र विजय आनंद भी शामिल है। विजय आनंद नवगछिया अनुमंडल के नगर निवासी विमल प्रसाद सिंह अधिवक्ता के पुत्र हैं। विजय आनंद ने मैट्रिक परीक्षा में 425 अंक हासिल किया है। विजय आनंद के पिता विमल प्रसाद बताते हैं कि विजय आनंद बचपन से ही शांत स्वभाव के साथ पढ़ाई में लगनशील है। मैट्रिक परीक्षा में होने की तैयारी के लिए विजय आनंद प्रतिदिन सुबह 4 बजे जगकर पढ़ाई करता था। वहीं विजय आनंद की मां सुधा देवी गृहिणी हैं। विजय आनंद बताते हैं कि देश की रक्षा के लिए वह सैनिक बनना चाहता है। वहीं इस सफलता का श्रेय उसने अपने माता पिता व गुरु को दिया है। गछिया भारतीय हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर श्री रामचरित मानस नवाह परायण यज्ञ एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा। गछिया में भारतीय हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर श्री रामचरित मानस नवाह परायण यज्ञ एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा का 43वां वार्षिकोत्सव स्थानीय घाट ठाकुरबाड़ी में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। अध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने बताया कि परम पूज्य आचार्य श्री राम शरण दास जी के आचार्यत्व में मुख्य यजमान विनीत खेमका के साथ 25 विद्वानों द्वारा प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक संगीतमय परायण किया जा रहा है तथा 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक संगीतमय प्रवचन स्वामी विनोदानंद महाराज के द्वारा किया जा रहा है।